हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज डिस्कस करते हैं। ओके, लेट मी आस्क यू वन थिंग। दिस वीडियो वुड बी इन पंजाबी बिकॉज मोस्ट ऑफ माय सब्सक्राइबर्स आर फ्रॉम पंजाब, और यू कुड सजेस्ट मी वेदर शुड आई मेक वीडियोज़ इन हिंदी लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज। ओके, डू कमेंट, देन आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ इन दैट लैंग्वेज विच यू आर कम्फर्टेबल। ओके, सो आज की जो वीडियो ये पंजाबी में रहेगी, ठीक है। तो डिस्क्राइब अ टाइम वैन यू ऑब्जर्व द स्टार्स। एक ऐसा टाइम दसो जदों तुसी तारियां नू ऑब्जर्व किया, तारे जड़े आसमान च ने। वैन यू ऑब्जर्व द स्टार, तुसी कदों किया। वेयर एंड विद होम यू वेंट, कौन सी थोड़े नाल ते तुसी किथे गए सीगे। वट यू ऑब्जर्व, तुसी ऑब्जर्व की किया। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फैल्ट वैन यू सॉ द स्टार, तो तुसी एक्सप्लेन भी करो थानू महसूस की होया जदों तुसी तारियां नू ऑब्जर्व किया, ठीक है, देखिया। ओके जी, तो क्यूज़ कवर करनिया बहुत जरूरी होंदिया ने टास्क रिस्पोंस चो नंबर लैन दे लई, ठीक है। जे थोड़ा टास्क रिस्पोंस वधिया हो गया दैट मीनस तुसी एग्जामिनर नू इंप्रैस करन लग गए, ठीक है जी। ओके जी, अगे एक नोट आ, फॉर ज्वाइनिंग स्पीकिंग क्लासेज ऑन संडे एट 6 PM टू 7:30 PM। संडे नू स्पीकिंग दी क्लास हुंदी है जी अपनी 6 बजे तो लैके 7:30 बजे तक, ठीक है। तुसी टाइप करना क्लास अंडरस्कोर संडे, ठीक है, तो सेंड कर देना जिहड़ा नंबर गिवन आ। कोई कोस्ट नहीं इहदे लई, दिस इज़ जस्ट हैल्प। ओके, तो यह मैं हैल्प कर रहा स्टूडेंट्स की। बहुत स्टूडेंट्स एक क्लास में ज्वाइन करन लग गए हुण 3-4 दिन तो पिछे, 3-4 वीक्स तो, सॉरी मैं पा रहा गा नोट विच, ठीक है। बट ओनली सीरीयस कैंडीडेट्स, ठीक है, जिन्हें आके झल खिलारनी है वो प्लीज़ ना आयो, ठीक है। जिन्होंने सच्ची चाहते हो, जोड़े चाहते भी 6.5 वाली स्पीकिंग कहजी होंगी है तो 7 वाली कहजी होंगी है वो आयो। ओके जी, चलो आप हुण आउने जी अपने क्यू कार्ड वाल। ओके जी, तो अपनी क्यू कार्ड हैगा डिस्क्राइब अ टाइम वैन यू ऑब्जर्व स्टार्स। तो फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम आई हैव ऑब्जर्व सो मैनी थिंग्स क्लोजली। तो मेरे बचपन तो लैके हुण तक मैं बड़िया सारिया चीज़ों क्लोजली ऑब्जर्व किया है, ठीक है। ऑल्दो भावें समटाइम माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट अप टू द मार्क, भावें कदे कदे तो मेरा जो एक्सपीरियंस या तजर्बा बहुता वधिया नहीं रहा, बट द मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई वॉज ओवर द मून, पर ज़्यादातर वारी मैं बहुत ज़्यादा खुश सीगा। ओवर द मून ईडियम का मतलब होंदा बहुत ज़्यादा खुश। तो दो ईडियम थोनू विच मिलनगे मेरे क्यू कार्ड्स दे विच, ठीक है। और फिक्स तुसी 4-5 क्यू कार्ड कर लेने, थोनू मेरा क्राइटेरिया जिहा पता लग जूगा कि किवें क्यू कार्ड बनता है, तुसी भी उदा बना सकते हो। हाउएवर क्यू पहली, हेयर आई वुड लाइक टू नरेट अबाउट अ टाइम वैन आई एग्जामिन स्टार्स, ठीक है। पर आप की क्या भी मैं बड़िया सारिया चीज़ों को ऑब्जर्व किया, पर इतने परंतु इतने जी मैं गल कर लग्या जी एग्जामिनर साहब, वो मैं कर लग्या उस टाइम की जदों मैं तारियां नू एग्जामिन किया। एग्जामिन करना काफ़ी मतलब क्लोजली देखना, वो बारे सोचना, ठीक है। तो आप इतने वह एक तरह का सननियम यूज़ कर लिया। सैकेंड क्यू देखो, आई विविडली रिमैंबर, मैं चंगी तरह याद आ। जिन्हें को विविडली प्रोनाउंस नहीं होंगे, थोड़ी जी प्रोनाउंसिएशन औखी है, तुम कह सकते हो आई स्ट्रोंगली रिमैंबर। ओके, इट वॉज़ अ टाइम वैन आई वॉज़ इन माई 10th स्टैंडर्ड। एट द टाइम माई फैमिली एंड आई वर इनवाइटड एट अ मैरिज फंक्शन। तो यह उस समय की गल है जी जो मैं 10वीं सीगा, तो मेरी फैमिली तो मैनू एक मैरिज फंक्शन से इनवाइट किया गया। ओके जी, माई फैमिली एंड आई वर इनवाइटड, तो माई फैमिली एंड आई, आई दे नाल वर लगता इस कंडीशन दे विच। एक होर कंडीशन आ जदों आई दे नाल वर लगता, वो भी देख लैने, ये पैसिव बन गया जी। तो अगे देखियो जी, सिंस द फंक्शन वाज हैल्ड इन हिली एरिया, तो सिंस नाल आपां इत्थे कंपलैक्स सेंटेंस शो कर दिता। तो क्योंकि सिंस जदों सेंटेंस दे अगे आउंदा मतलब बन जाता क्योंकि, क्योंकि जिहड़ा फंक्शन सीगा वो हिली एरिया दे विच सीगा। आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड ड्यू टू अ लोंग जर्नी, तो मैं बहुत थकिया महसूस कर रहा सीगा लंबी जर्नी दे करके। विद अ व्यू टू हिटिंग द पिल्लो आई केम बैक टू द होटल रूम आफ्टर हैविंग डिनर, ठीक है। तो विद अ व्यू टू हुंदा जी मतलब कह लो दे दृष्टिकोण नाल जां दी इच्छा नाल, ठीक है। तो कादी इच्छा नाल, हिटिंग द पिल्लो, हिटिंग द पिल्लो इतने फिर ईडियोमैटिक लैंगुएज आ, यानी कि सौण की इच्छा नाल, ठीक है। तुसी होर भी सेंटेंस बना सकते हो, एक थोड़े कई क्यू का अपने सैक्शन है इंट्रो दे लाइक वैन यू स्लीप यूजली, है ना। तो तुसी कह सकते हो एट 9 PM आई हिट द पिल्लो। ओके, विद अ व्यू टू हिटिंग द पिल्लो, सौण के दृष्टिकोण नाल आई केम बैक टू होटल रूम आफ्टर हैविंग डिनर,
डिनर करन तो बाद मैं अपने होटल रूम विच आ गया, आई केम, ओके आई कम नहीं आई केम, ओके एग्जॉस्टेड वेरी टायर्ड विद द व्यू ऑफ, मैं थोड़ा दस दिता है समथिंग वॉन्टिंग, ओके अगे देखो जी आउट ऑफ नो वेयर, आ बहुत सोहनी चीज़ है आउट ऑफ नो वेयर, यदा मतलब होंगे पता नहीं कितों, ठीक है आउट ऑफ नो वेयर, आ स्टार ब्रोक एंड कैप्टिवेटड मी, एक तारा टुटिया, स्टार वाज ब्रोकन नहीं कहना रोंग हो जाना, अ स्टार ब्रोक एंड कैप्टिवेटड मी, एक तारा टुटिया तो मैनू मोह गया, कैप्टिवेटड होंदा मोह जाना किसी चीज़ का अट्रैक्ट करना आपां। आई स्टूड क्लोज टू द विंडो एंड स्टार्टेड टू वॉच द सैनिक व्यू ऑफ स्काई, मैं विंडो के क्लोज खड़ा हो गया तो मैं सैनिक व्यू यानी कि आसमान का जो सैनिक व्यू सी ब्यूटीफुल व्यू सीगा उन्हों देखना स्टार्ट कर दिता। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा सीगा इफ आई वर एन एस्ट्रोनॉट आई वुड गो टू अनदर प्लैनेट, मैं ये सोच रहा सीगा कि जे मैं एक पुलाड़ यात्री हुंदा ता मैं किसी होर प्लैनेट ते जांदा, एक आई दे नाल वर इस कंडीशन दे विच लगदा है जो आप कोई विश मंगते हैं, ठीक है इफ आई वर अ सिंगर आई वुड मेक सम सोंग्स, मतलब प्रेजेंट च रह के पास्ट की गल करते हैं उदो आई दे नाल वर लगदा जी, ओके जी थले इन्हां दे मीनिंग लिखे ने, अगे आ जाओ जी। वैन इट कम्स टू द क्वेश्चन दैट वट आई फैल्ट अबाउट दिस, जदों हुण गल इस सवाल ते आउंदी है चौथी क्यू, ठीक है कि मैनू इहदे बारे महसूस की होया, टू बी ऑनेस्ट इमानदारी नाल दसा तां आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस सिचुएशन, मेरे कोल इस सिचुएशन बारे बोलन लई कुछ भी बुरा है नहीं गा, बिकॉज हैड आई नॉट कम बैक टू माई रूम आई वुड नॉट हैव गॉट एन ओपरचुनिटी टू एग्जामिन स्टार्स क्लोजली, तो यह इनवर्जन थर्ड कंडीशन लिया कि जे मैं अपने रूम के पिछा बैक ना आया हों तो मैनू आ वाला मौका ना मिलया हों कि मैं जेडे तारियां नू क्लोजली एग्जामिन कर सकाँ, इवन आई कैन से दिस सिचुएशन वाज फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड विद वन स्टोन, इतों तक कि मैं ये भी कह सकता हाँ कि सिचुएशन तो मेरे लिए इं सी जिमें मैं एक तीर नाल दो निशाने लाए होन, ऑन दी वन हैंड, एक तीर नाल दो निशाने किदा, ऑन दी वन हैंड एक पासे तो जी आई स्पेंट माई क्वालिटी ऑफ टाइम विद इमेजिनेशन, तो मैं आपका क्वालिटी ऑफ टाइम मतलब वधिया टाइम बतीत किया कि सोचा दे नाल इमेजिनेशनस कीतियां भी जिमें मैं जे मैं पुलाड़ यात्री हों तो मैं जाता है ना, ऑन द अदर हैंड आई गॉट रिड ऑफ टीडियस पार्टी, तो गैट रिड ऑफ होंगे जी छुटकारा पाना वो सैकेंड फॉर्म होगी गॉट रिड ऑफ, ठीक है तो ऑन द अदर हैंड दूजे पासे मैं बोरिंग जी पार्टी तो छुटकारा भी पाया, तो किलिंग टू बर्ड विद वन स्टोन ईडियम है जी, ऑल इन ऑल दिस वॉज अ टाइम वैन आई ऑब्जर्व द स्टार्स, ओके तो सारिया गल्लां मुद्दा मुका के जी यही समा सीगा जदों मैं तारियां नू क्लोजली ऑब्जर्व किया, ओके जी सबसक्राइब माई चैनल फॉर मोर।